इसमें हम देखेंगे वायवीय न्यूमेटिक ब्रेक, यानी जो एयर का इस्तेमाल करके जो ब्रेकिंग का सिस्टम बनाते हैं उसको कहते हैं वायवीय ब्रेक सिस्टम या न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। इसमें अरेंजमेंट सब एक ही जैसा रहता है, जैसे हमने यांत्रिक जो ब्रेक है, यांत्रिक ब्रेक में क्या ऑपरेट करता था ब्रेक शू को, कैम। हाइड्रोलिक जो ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक शू को ऑपरेट करता था हमारा व्हील सिलेंडर था। इन्हीं की तरह वायवीय जो ब्रेक रहता है, इसमें जो ब्रेक शू को ऑपरेट करता है इसमें कौन ऑपरेट करता है, उसके लिए एक यहां पर ब्रेक चैम्बर रहता है। यांत्रिक ब्रेक में जो सिस्टम जो ऑपरेट करते थे उसमें लीवर रहते थे और तार वगैरह रहते हैं। व्हील सिलेंडर में या हाइड्रोलिक ब्रेक में जो ऑपरेशन होता था वो उसमें ऑपरेटिंग मटेरियल क्या था, उसमें हाइड्रोलिक तेल रहता था या ब्रेक ऑयल रहता था। इसमें वायवीय ब्रेक में इसमें वायु या हवा जो कि कंप्रेस्ड रहती है, कंप्रेस्ड एयर जो प्रेशराइज्ड हवा रहती है उसका इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं वायवीय ब्रेक में। इसका सिस्टम भी सेम उसी की तरह एक जैसे रहता है, जैसे यहां पे ये व्हील हो गया, चारों व्हील हो गए, चारों व्हील पर जो ऑपरेट करने के लिए ब्रेक चैम्बर लगा हुआ होता है। ये क्या है, ब्रेक चैम्बर लगा हुआ रहता है। चारों व्हील पे ब्रेक चैम्बर लगा हुआ है और ये ब्रेक चैम्बर में जो एयर जानी है, एयर कैसे आएगी, क्योंकि इसमें एयर का ऑपरेशन है तो एयर से ऑपरेट होगा ये ब्रेक। इसके अंदर जो है एक लगा देते हैं ब्रेक वाल्व, ब्रेक वाल्व। ये ब्रेक वाल्व का ऑपरेशन पैडल के थ्रू, ब्रेक पैडल जो रहता है, ब्रेक पैडल से इसका ऑपरेशन होता है। इस ब्रेक वाल्व में कंप्रेस्ड एयर हमें देना है तो कंप्रेस्ड एयर के लिए एक अलग सिस्टम यहाँ पर रहता है, ये एयर देने के लिए रहता है, कंप्रेस्ड एयर देने के लिए ये एयर देने के लिए। तो ये जो है एक सिलेंडर रहता है, वायु सिलेंडर, इस पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है। दाब गेज लगा हुआ रहता है। इस सिलेंडर में एक कंप्रेसर रहता है जिससे
जिससे एयर कंप्रेस्ड होती है, संपीड़क। ये कंप्रेसर जब यहाँ पे एयर की जरूरत नहीं रहती, जैसे ब्रेकिंग हम नहीं कर रहे हैं तब एयर की यहाँ जरूरत नहीं है, तब इसके अंदर जो है प्रेशर जो है पूरा बराबर बनाए रखने के लिए, ताकि यहाँ पे जब जरूरत पड़े तो उतने प्रेशर की जरूरत लग जाए। सपोज यहाँ पे हमें 5 kg प्रेशर की जरूरत है या 1 kg प्रेशर की जरूरत है, तो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर 1 kg का प्रेशर लगातार बना हुआ रहना चाहिए। तो उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक लोडर अनलोडर लगा देते हैं। ये इसको कहते हैं लोडर अनलोडर। लोडर अनलोडर का काम है कि जब यहाँ पे प्रेशर को बराबर मेंटेन रखना, जब यहाँ पे प्रेशर सपोज हमारा इसका लिमिट इसमें दे रखा है 4 kg का प्रेशर अगर हमने इसमें दिया हुआ है, तो ये जब सिलेंडर में 4 kg प्रेशर हो जाएगा तब इस कंप्रेसर का ऑपरेशन बंद हो जाएगा, ये अपने आप बंद हो जाएगा। फिर अगर 4 kg से जैसे कम हो गया तब ये अनलोडर क्या करेगा, फिर इसको लोड पे कर देगा, और यानी कि लोड पे कर देगा यानी कि क्या होगा, ये कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो और इसके अंदर संपीड़क के अंदर एयर देने के लिए यहां पर जो है एयर आती है, एयर इनटेक। एयर आती है कहां से, किसके थ्रू, यहां पर एक फिल्टर लगा होता है, इस फिल्टर से एयर इन होता है, फिल्टर के थ्रू यहां से फिल्टर से छन करके एयर जो है इसके अंदर आता है, ताकि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना हो, नहीं तो हमारा कंप्रेसर में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से यहां से सप्लाई हो गया इसका कंप्रेस्ड एयर का, जैसे ही हम ब्रेक पेडल दबाते हैं यहाँ सिलेंडर में एयर प्रेशराइज्ड एयर भरा हुआ है, जैसे ब्रेक पेडल दबाते हैं तो ब्रेक वाल्व जो है ये ऑपरेट करता है, और यहां से चारों पहियों पर जो है ब्रेक चैम्बर के लिए एयर एयर पाइप के थ्रू, ये क्या है पाइप रहता है एयर पाइप, तो एयर पाइप के थ्रू जो है इसमें ब्रेक चैम्बर में एयर जाती है, वहां पे ब्रेक चैम्बर ऑपरेट होता है और ब्रेकिंग लग जाती है। यहां पर ब्रेक वाल्व जो है ये सिंक सर्वो मैकेनिज्म की तरह से काम करता है। इसकी वर्किंग कैसी रहती है, सर्वो मैकेनिज्म के ऊपर सर्वो मैकेनिज्म की तरह से ये काम करता है। मतलब क्या है कि हम जितना कम दबाएंगे उतना कम एयर जाएगा, ज्यादा दबा देंगे तो ज्यादा जाएगा, मतलब एयर की कंट्रोलिंग इसमें रहती है। ये जो हमारा न्यूमेटिक है इसका यूज जो है किसमें होता है, अधिकतर जो हैवी वाहन है, हैवी व्हीकल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर जो लगभग सारी ट्रेनों में, अधिकतर ट्रेन के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो न्यूमेटिक ब्रेकिंग ही रहता है। न्यूमेटिक ब्रेकिंग के साथ में और भी कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेटिक तो रहता ही है इसमें ट्रेन। अब इसमें ब्रेक चैम्बर का अरेंजमेंट भी बिल्कुल उसी तरह से रहता है जैसे बाकी हमने पीछे देखा कि सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट रहता है, स्प्रिंग का अरेंजमेंट रहता है, उसी तरह से इसका भी अरेंजमेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक चैम्बर में क्या है, डायाफ्राम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, डायाफ्राम। तो इसको अगर हम करें तो यहाँ पर ये हमने बना लिया, ये हमारा डायाफ्राम हो गया, और डायाफ्राम जो है पुश रॉड के साथ कनेक्ट रहता है। ये पुश रॉड है जो ब्रेक शू को ऑपरेट करता है। ये ब्रेक शू को ऑपरेट करता है और इसका ऑपरेशन फिर से यहां पर
स्प्रिंग का अटैचमेंट भी रहता है ताकि ब्रेक फिर से छोड़ने के लिए। ये रहते हैं स्प्रिंग। ये क्या है, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम रहता है। इस डायाफ्राम में एयर, ये जो चैम्बर है इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर जो है, कंप्रेस्ड एयर प्रेस होता है, तो ये डायाफ्राम से ये पुश रोड ऑपरेट होता है। जब भी जब हम ब्रेक पेडल दबाते हैं तो एयर आती है और एयर से डायाफ्राम होता है और ये ऑपरेट होता है, उससे ब्रेक शू से कनेक्ट रहता है पुश रोड और वो ब्रेकिंग स्टार्ट करता है। तो ये हमारा ब्रेक चैम्बर है, इसको ये क्या कहते हैं, ब्रेक चैम्बर। ये ब्रेक चैम्बर ये यहां पे लगा हुआ है, ये ब्रेक चैम्बर है, ब्रेक चैम्बर यहां लगा हुआ है। यही ब्रेक चैम्बर का मतलब एक डिजाइन है, ये है, ये यहां पे क्या है, ब्रेक चैम्बर। इसको हम बीसी भी लिख सकते हैं, बीसी भी लिख लें अपने उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेटिक ब्रेकिंग काम करता है और उसके सारे पार्ट्स इस तरह से। थैंक यू।